बुधवार को भीलवाड़ा में सिखवाल ब्राह्मण समाज का वात्सल्य श्रृंग संस्थान द्वारा भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 10 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। यह कार्यक्रम भीलवाड़ा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महासभा के अध्यक्ष संपत कंदोई, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता घनश्याम जोशी, पाली सिखवाल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सोहनलाल उपाध्याय, नेमीचंद उपाध्याय काजीपेट, शिवराज शर्मा, सत्यनारायण पांड्या भिलवाड़ा, प्रहलाद राय उपाध्याय बारडोली व वात्सल्य श्रृंग संस्थान महिला संगठन की वे हजारों समाज बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वात्सल्य श्रृंग संस्थान के पदाधिकारियों ने उपस्थित अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया व अतिथियों ने अपने संबोधन में आयोजन समिति को सफलता पूर्वक आयोजन होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी व नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान किया। इस संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास, कार्य अध्यक्ष गोविंद तिवाड़ी, सचिव तेजमल पांड्या, महिला संगठन की पारस व्यास, अनीता व्यास, मंजू तिवाड़ी आदि ने आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन सिखवाल समाज की ओर से हो रहा है। वात्सल्य श्रृंग संस्थान महिला कार्यकारिणी कैबिनेट की तत्वाधान में हो रहा है और इसके अंदर 10 जोड़े हैं, उसमें 3 जोड़े बादू से है और 1 जोड़ा रतलाम से है, 1 जोड़ा पारसोली से है, 1 जोड़ा सोटेपा से है और 2 जोड़े बेरा और डगा से है। ऐसे करके 10 जोड़े हैं और सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य है कि सिखवाल समाज बाहुल्य भीलवाड़ा जिला है, इसके अंदर कम खर्चा हो और बहुत रायता रूप में माँ संगम के रूप में बच्चों को आशीर्वाद मिले और कम खर्चा हो। सबसे पहला उद्देश्य समाज के अंदर ये कि कम खर्चा हो, सभी एक मंच के नीचे और एक स्टेज के नीचे एकत्रित होकर बच्चों को आशीर्वाद मिले, हर समाज का आशीर्वाद मिले और सरकार से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर 10 और 11 जोड़े होते तो गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन देती है, समाज कल्याण विभाग जो है वो FD देती है बच्ची को, तो ये भी बच्चों को सहयोग मिल रहा है।